नाहन के रुखड़ी स्थित झील में राष्ट्रीय वाटर स्कीइंग एवं वेक बोर्ड के सौजन्य से वाटर स्पोर्ट्स के खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय वाटर स्कीइंग व वेक बोर्ड पर आधारित खेलों के आयोजन में हिमाचल सहित उत्तराखंड, गुजरात, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों से खिलाड़ी पानी पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां से चयनित खिलाड़ी जुलाई में हांगकांग, चीन में होने वाली एशियाई प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। संघ के महासचिव राजपाल सिंह ने बताया कि पहली बार हिमाचल में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर भारत में जल खेलों में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस बार ये प्रतियोगिता नाहन सतीवाला में आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि जल खेलों में उत्तर भारत के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से ही ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं। ये क्वालिफाइंग दौर है और यहां से विभिन्न वर्गों में चयनित खिलाड़ी हांगकांग में होने वाले एशियाई जल खेलों में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड, कश्मीर और गुजरात, चंडीगढ़, सब जगह से यहाँ पे प्लेयर्स आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे जो नेक्स्ट मंथ होने जा रही है, और जुलाई वाली जो हांगकांग में एशियन चैंपियनशिप है उसके लिए हम इस कोशिश में है कि कैंप लगा के एक इंडिया की अच्छी टीम भेजें। तो जैसे अभी क्वालिफाइंग राउंड से हमें लग रहा है कि हिमाचल के प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स हिमाचल के उस इंडियन टीम में होंगे। सो ये हिमाचल के लिए बड़ा अच्छा एक वरदान है। वही प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे खिलाड़ियों ने बताया कि हिमाचल में जल खेलों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं और यहां पर कई स्थानों पर इस तरह के खेल हो सकते हैं। ये खिलाड़ी देश के लिए स्वर्ण पदक लाने के लिए तैयार हैं। मैं तत्ता पानी हिमाचल प्रदेश से हूं और आज मैं यहां पर जय क्लार्क्स होटल में, इधर जहाँ झील बना है वहाँ मैं वेक बोर्डिंग करूँगा। पहली बार यहाँ कंपटीशन चल रहा है नेशनल लेवल का वेक बोर्ड और स्कीइंग का, तो मैं तत्तापानी में, मैं इटली से ये वेक बोर्ड लेके आया था और तत्तापानी में ही प्रैक्टिस किया है सारा। तो वहाँ पर हमारे जेट स्की बोटिंग वगैरह है, वहाँ से मैंने सीखा है। तो कम से कम मेरे को 2-2.5 साल हो गया है वेक बोर्डिंग करते हुए और आज मैं यहाँ पहली बार अभी करने जा रहा हूँ। और यहाँ का सेटअप मेरे को बड़ा अच्छा लगा है, मतलब झील भी काफ़ी अच्छी है और ये 12 महीने मेरे को लग रहा है ऐसी रहती है, और बोट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा वेक बोर्डिंग और स्कीइंग का आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा स्कोप है इधर का। मेरे को लगता है वेक बोर्डिंग में बहुत स्कोप है इंडिया में। अभी किसी को ज़्यादा तक पता नहीं है कि क्या होता है, लेकिन जैसे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं हम, फिर धीरे धीरे यहाँ पर सेटअप भी होगा वेक बोर्डिंग का, तो लोगों को पता चलेगा, फिर वो अपने जो भी है वो करना आएंगे, स्टार्ट करेंगे इसको, फिर आगे जाके नेशनल लेवल, इंटरनेशनल में भी होता है, तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को लगता है कि करना चाहिए स्टार्टिंग, और यहीं से स्टार्टिंग होगी। अब कोई चीज़ पहले से तो नहीं चलती है। की परमिशन लेने के बाद यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटी है आपकी, वो टोटल हमारे पास इसी एक डिस्ट्रिक्ट सिमावर वाटर स्पोर्ट्स क्लब में प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिसमें अपनी स्विमिंग, कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्की, वेक बोर्डिंग, वाटर पैरासेलिंग, यहाँ जो है सारी एक्टिविटी एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट राइट नाउ चला रहे हैं, अब प्राइवेट कैडेट की जो हमें स्पॉन्सरशिप मिल रही है सरकार उतना स्पॉन्स नहीं कर पा रही है सर, क्योंकि तत्तापानी में जाइए फॉर एग्जांपल आप, उनका भी पर्सनल एविएशन है सारे का सारा। और जो आप डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के वाटर स्पोर्ट्स क्लब को ले लो, ये भी चौहान साहब की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इनकी बदौलत जो भी है जितनी भी एक्टिविटी। मैं सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी से आया हूँ यहाँ पे नेशनल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा अपना आपको एक्सटेंड करा जाए, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा काफ़ी और मैं अच्छा करने लग गया हूँ। तो अभी तक का मेरा टारगेट है कि इंडियन टीम में सिलेक्ट हो जाऊँ, और उसके लिए मैं काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे को जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो ये जो वाटर स्की एंड वेक बोर्डिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में बहुत सालों से हो रही है, ऑलरेडी फेमस डल लेक में, निगी लेक में, मानसबल लेक में, बट हमें ये एक हिस्ट्री है कि हमें फर्स्ट टाइम फेडरेशन ने, वेक बोर्ड एंड वाटर स्की की फेडरेशन ने हमें फर्स्ट टाइम इन्वाइट किया फॉर द नेशनल चैम्पियनशिप्स, और जम्मू कश्मीर आज 6 बच्चों को लेकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट्स में भी है, बट ये हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर में कि हम लोग फर्स्ट टाइम हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।